हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो? सही हो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो, तो सही ही रहोगे। आज मैंने सोचा, क्या सोचा मैंने? आज मैंने ये सोचा, आ जाओ, मैं छत पे हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं गांव आ चुकी हूँ और मैंने सोचा कि मैं गाने लिखती हूँ, क्योंकि गाइज मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ महाकाल के सॉन्ग के लिए, मैं क्या बताऊँ। बट मैं कैसे करूँ यार, मुझे कोई उपाय बताओ। तो मैंने सोचा, मैंने कुछ लिखा है महाकाल के लिए, मैंने बहुत ही बढ़िया सा लिखा है, जैसा आप लोगों ने मेरे को बोला, जैसा आप लोगों ने होप करा हुआ है, बिल्कुल वैसा लिखा है। बट मुझे बहुत जुगाड़ से करना पड़ेगा ये काम, और मैं यहाँ पे डायरी लेके आई हूँ। तो मुझे कुछ बताओ कि मैं कैसे गाने भोलेनाथ के यानी कि महाकाल के करूँ, मेरे को कुछ बताओ, कुछ मेरे को आप लोग बताओ। मैं इधर उधर इसलिए देख रही हूँ, गाँव में नज़रें एक जगह टिकती नहीं है ना, इधर उधर। तो मैं कहाँ बैठी हूँ, दिखाऊँ आपको? ये मेरा चूर, ईटा ऐटा बोलते हैं, ऐटा ईटा ईट ऐटा ईटा 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 में बैठी हूँ और गाने लिख रही हूँ। कल जो मैंने आप सबको भिंडी दिखाई थी ना, वो भिंडी बड़ी हो चुकी है। देखो, इसमें भिंडी भी लग गई है, देखो बाबा, तीन भिंडी है। ओके, तो मैं अभी गाने लिखने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने एक टॉपिक ये चूज़ करा था, गॉडफादर टॉपिक चूज़ करा था, कि मे बी बहुत लोगों को ये टॉपिक बुरा भी लग सकता है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि मैंने ये करा, मैंने सब कुछ किया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर कोई बंदा मेहनत करता है, कोई बंदी मेहनत करती है, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज गॉडफादर भी कुछ नहीं कर सकता। एग्री करते हो? चलो, मैं लेक्चर ज़्यादा दूंगी नहीं, काम स्टार्ट करते हैं अपना। सो मैंने कुछ लिखा है, जय महाकाल। क्या लिखा है? गर्ल पावर, फेमिना, नो, लायर, नो, तो ट्रूथ, नो, कर्मा, यस, एग्जैक्टली, कर्मा पे मैंने लिखा है, कर्मा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि कर्मा क्या होता है। कर्मा सबको पता है। कर्मा मीन्स जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्मा मतलब ये होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये होता है कर्मा। तो कर्मा सबको पता है गाइस, सबको पता है कर्मा, किसको पता नहीं है। तो मैंने उस पर लिखा है और मेरी लाइन कुछ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई, मतलब तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तू क्या चाहता है, मेरी रोजी रोटी। तो हाँ, मैं कहाँ थी, कर्मा, यस। तो मैंने कुछ ऐसा लिखा है कि जैसा तू करेगा वैसा ही पाएगा, ऐसा कुछ, जैसा तू करेगा वैसा ही पाएगा ना, मतलब कि क्या लिखा था मैंने, बड़ी प्यारी लाइन है यार, मिल नहीं रही है मुझे। और मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो चाहते हैं मैं आप सबको भोलेनाथ का दर्शन कराऊं, यानी कि देवघर में, यानी कि ब्लॉगिंग करूं मैं बाबा धाम मंदिर की। हाय। मैं तो खुद ही बहुत, अगली बार काट दूंगी बेटा तुझे, ओके। तो मैं तो खुद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं भोलेनाथ की ना डाई हार्ड फैन हूँ, और मुझे भोलेनाथ इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि कुछ भी,
कुछ भी होता है मैं बस इमेजिन कर लेती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा फील होने लगता है। तो गाइज प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़ जो आप भोलेनाथ के दीवाने हैं या फिर महाकाल को बहुत ज़्यादा मानते हैं, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कितने लोग चाहते हो कि मैं आपको बाबा धाम की पूरी वीडियो दिखाऊं, लाइव ब्लॉगिंग करके दिखाऊं कि ये मंदिर है, ये मंदिर है, ये मंदिर है, यहाँ पे जल चढ़ता है, यहाँ पे ये चढ़ता है, वहाँ पे वो चढ़ता है। तो मेरे को बताना ज़रूर, मैं जल्द ही कराऊंगी। हालांकि अभी लॉकडाउन है, इतनी जल्दी तो पॉसिबल है नहीं, बट मैं ज़रूर करूँगी बहुत जल्द। सच्ची आओ थोड़ा खड़े हो जाएं, बहुत देर बैठ लिया, थोड़ी वॉक कर लें, वरना खा खा के तो मोटे हो ही जाने वाले हैं गांव में, यू नो इतना सारा खाना खाते हैं। सो, मैंने वही सोचा। तो जो लोग पूछ रहे थे कि भोलेनाथ का सॉन्ग कब आएगा कब आएगा कब आएगा, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि भोलेनाथ का सॉन्ग अब आएगा, क्योंकि मैं कोशिश में लगी हुई हूँ। हालांकि मेरे लिए भी इतना ईजी नहीं है करना, क्योंकि आपको तो पता ही है सिचुएशन क्या है, कोरोना एंड ऑल। एक चीज़ दिखाऊँ, मुझे जब भी आम का चोरी करना होता है ना, मैं यहाँ से कर लेती हूँ। ढेर सारा आम है, देखो, ढेर सारा आम है, दिखाई दे रहा है क्या? देखो, दिखाई दे रहा है, ये तो ढेर सारा आम है इधर। जितना खाना हो मेरे को बताओ, किन किन लोगों को आम खाना है हमारे यहाँ का, मैं खिलाऊंगी। और मुझे चक्कर आ रहा है और तो बताओ कितने लोग हैं जो भोलेनाथ का दर्शन करना चाहते हैं। मैं आपको ले चलूंगी बाबा धाम सावन से पहले। तो कुछ काम भी हो जाए, और गाइज यस, जब ये अभी रिसेंटली मदर्स डे था या कुछ ऐसा करके, तो मेरे को बहुत से लोगों ने बोला था कि आपने फ़ोटो क्यों नहीं डाला, मॉम डैड का डालो। तो मैं आप सबको भी मिलवाऊंगी अपनी फैमिली से। मेरी छोटी सी फैमिली है, नॉर्मल फैमिली है, बट बहुत अच्छी फैमिली है, सपोर्टिंग है, प्यारी है। आप सबके ऐसे ही होते हैं, मैं अपनी सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ। तो मैं आपको जल्दी मिलाऊँगी। ओके okay।